लेकिन मेरा ये मानना है कि ये अभी अभी जो चुनाव होने वाला है, ये चुनाव मोदी जी, भाजपा और एक नेता उनका पार्टी, नहीं तो भाजपा का गठबंधन और दूसरा गठबंधन, उनके बीच में होने वाला चुनाव नहीं है। ये चुनाव भाजपा मोदी एक तरफ, देश की जनता एक तरफ, ये लड़ाई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तौहीद और आप देख रहे हैं प्लैनेट बुलेटिन। पिछले कई दिनों से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश में घूम घूम कर एक नारा दे रहे हैं। वो नारा है अब की बार 400 पार। लेकिन देश के इकोनॉमिस्ट, देश के सोशलिस्ट और देश के पॉलिटिकल एनालिस्ट कुछ और ही स्टोरी बयां कर रहे हैं। उनके मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो भाजपा है उसे 230 या 240 के आसपास ही सीटें आएंगी। पॉलिटिकल पार्टीज या अपोजिशन की पार्टीज तो इन सीटों की संख्या 180 ही बता रही हैं। ऐसा ही कुछ देश के एक बड़े इकोनॉमिस्ट पराकला प्रभाकर जी ने कहा है। जी हां, पराकला प्रभाकर जी जो माननीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के पति हैं, लेकिन उनकी दोनों की आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। एक तरफ तो निर्मला सीतारमण जी अब की बार 400 पार का नारा लगा रही हैं आए दिन, लेकिन खुद उनके पति ने इस नारे को झूठा करार दिया है। उन्होंने एक यूट्यूबर को एक अपना इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस नारे की पोल खोल दी है। तो आइए देखते हैं पराकला प्रभाकर जी का 400 पार के नारे के ऊपर क्या कहना है। ये 370 संभव है, 400 पार संभव है, ऐसे डिबेट क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं कि वो बोले थे। अगर वो नहीं बोला होगा तो आप ये डिबेट करेंगे कि अगर बीजेपी इस चुनाव में जीत पाएगी नहीं पाएगी। देखिए, आप बोल रहे हैं ना, ये ट्रिक है, जुमला है, आपका नजर अगर ये जीतेगी नहीं जीतेगी इस बात से, अगर ये 400 पार करेगी या नहीं करेगी, उससे आपका दृष्टि उसमें जाने के लिए एक जुमला है। पराकला प्रभाकर जी ने कहा कि अब की बार 400 पार एक चुनावी जुमला है, इन लोगों में परसेप्शन क्रिएट करने का जुमला है, जिससे लोगों में एक परसेप्शन क्रिएट हो जाएगा, फॉल्स परसेप्शन क्रिएट हो जाएगा कि सच में बीजेपी की 400 सीट्स आ रही हैं। तो पराकला प्रभाकर जी का कहना है कि 400 सीट का वादा या फिर नारा झूठा वादा है या झूठा नारा है। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की मुश्किल से 230 से 240 ही सीटें आएंगी। मैं तो भविष्यवाणी नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन इतना मैं बोल सकता हूँ कि मैं बहुत घूम रहा हूँ, लोगों से बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ एलीट से नहीं लेकिन आम जनता से भी बात। जी, आम आदमी नहीं, आम जनता से। जी, तो मैं कुछ दिन पहले मैं पुणे में था, उसके उससे पहले मैं अहमदाबाद गया था, उससे पहले मैं बहुत घूम रहा हूँ, मैं किताब की वजह से बहुत मीटिंग चल रही थी, मैं जा रहा हूँ। देखिए, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का, ये मोदी गेट का ये जो है ना घोटाला, कांड बाहर आया। जी दीपक जी, आप शायद यकीन नहीं कर सकते हैं कि ये इतनी तेजी से लोगों के बीच में चले गई हैं और भी जा रही हैं कि इतना चर्चा हो रहा है इसके बारे में। ये आने वाले चुनाव में भाजपा को देखिए 220-230 आना भी बड़ी मुश्किल है। जब पत्रकार ने पराकला प्रभाकर जी से पूछा कि क्या कारण है कि बीजेपी 2014 में भारत में इतनी फेमस पार्टी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2014 या और 2019 में भारत के जनता ने भर भर कर मैंडेट दिया था, उनको बहुमत की सरकार बनाने का भारत के जनता ने मौका दिया था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता क्यों रूठी है, क्या रीज़न है जो बीजेपी को आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ा जोल्ट मिल सकता है, उस पर जो पराकला प्रभाकर जी ने अपना एक जवाब दिया। आप देखिए, बेरोजगारी, महंगाई और जितना अनरेस्ट है देश में, मणिपुर, लद्दाख, उसका असर आप इसको अंडरस्टेट मत कीजिएगा। आप बेरोजगारी का इफेक्ट, उसका असर आप अंडरस्टेट मत कीजिएगा। महंगाई के बारे में आप अंडरस्टेट मत कीजिएगा। आप देखिए, आपको तो सम सेंस होगा ना कि हमारे रूरल सेक्टर में क्या स्थिति है आज। अर्बन एरिया से उतने लोग वापस गांव के तरफ जा रहे हैं और ये मनरेगा जॉब्स को डिमांड कर रहे हैं। आप देखिए, हमारे नौजवान के बीच में हमारे बेरोजगारी, अभी नौजवान के बेरोजगारी, आप आईएलओ का रिपोर्ट देखिए आ गया था 4-5 दिन पहले, वो आप वो आंकड़े बाजू में रखिए, लेकिन देखिए हमारे नौजवान आज गाजा जाने के लिए तैयार है रोजगार के लिए।
रोजगार के लिए। ये भी जानते हैं कि वहाँ युद्ध है। बीजेपी के हार के रीजन बताने के साथ ही पराकल जी ने मोदी जी पर भी कटाक्ष किया, उन पर भी वो जमकर बरसे। उन्होंने कहा, मोदी जी अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में जीतकर आते हैं तो देश में डिक्टेटोरियल टेंडेंसी बढ़ जाएंगी, देश में अथॉरिटेरियनिज्म बढ़ जाएगा। पराकल जी का कहना था कि देश में अभी इतना नफरत का माहौल है, अगर गलती से 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को मैंडेट मिलता है तो ये नफरत का माहौल, डेमोक्रेसी को खत्म करने का माहौल, अथॉरिटेरियन माहौल बढ़ जाएगा। डिक्टेटर टाइप के दीपक जी, एक बात तो अभी तक तो हम सब लोगों को साफ हो गया कि अभी जो गवर्नमेंट है दिल्ली में, सरकार जो है दिल्ली में, ये डेमोक्रेटिक नहीं है। मोदी जी की सरकार डेमोक्रेटिक नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अब देखिए आप कहीं सुना है, देखा है, सारी दुनिया में 145 MPs को सस्पेंड करके हाउस चलाना किसी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में हो सकता है क्या? हमारे यहाँ हो गया, हुआ। और ये कहीं आपने देखा है कि एक राज्य तकरीबन एक साल से जल रहा है? मणिपुर। और आपका अखबार छापती नहीं, आपका टीवी स्टूडियो बोलते नहीं, बहस करते नहीं, प्रधानमंत्री जाते नहीं, मंत्री जाते नहीं, उधर का लोगों का आवाज क्या है हमको सुनाई देते नहीं, उधर का इंटरनेट नहीं, कुछ भी नहीं। ये क्या बोलते हैं? ये इसको डेमोक्रेटिक बोलते हैं? अगर इसको डेमोक्रेटिक बोलना है तो आप डेमोक्रेसी का पूरा डेफिनेशन बदलना पड़ेगा ना जी। देश में अगर डिक्टेटोरियल एटीट्यूड बढ़ेगा, अथॉरिटेरियनिज्म बढ़ेगा, तो देश के फेडरलिज्म को इससे धोखा है, जिससे देश की डेमोक्रेसी खतरे में आ सकती है। अभी हम देख सकते हैं लद्दाख में सोनम वांगचुक जी ने 21 दिन का फास्ट किया था। अब उनको, जब उन्होंने पश्मीना मार्च का डिक्लेरेशन किया कि वो पश्मीना मार्च करेंगे, तब उन्होंने उनको सरकार ने रोक दिया और अब लद्दाख में सेक्शन 144 लगा दिया है। आप इससे ही देख सकते हैं कि एक तरफ लद्दाख के लोग सिक्स शेड्यूल के लिए आंदोलन कर रहे हैं डेमोक्रेटिक तरीके से, लेकिन उनकी फेडरल जो मांगे हैं उनको बीजेपी की सरकार सुनने को तैयार ही नहीं है। लेकिन अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत के साथ आती है तो पराकल जी का कहना है फेडरल स्ट्रक्चर को बहुत बड़ा डैमेज होगा। मैं तो कहता है मेरे पास कि राज्य का जो राइट्स है, हक है, उसको छीन लिया गया। अब जितना पैसा राज्यों को जाना है उतना पैसे नहीं जा रहे हैं। राज्यों का मुख्यमंत्रियों और राज्यों का पूरे कैबिनेट आके दिल्ली में धरना कर रहे हैं। और लद्दाख में इतना बड़ा मूवमेंट था, इतने दिन अनशन था सोनम वांगचुक जी का, कुछ उसके ऊपर बहस नहीं। पराकल जी ने अपने इंटरव्यू में आगे ये भी कहा कि बीजेपी ने ना सिर्फ देश के फेडरलिज्म को धोखा पहुंचाया है, कमजोर किया है, बल्कि बीजेपी की वजह से देश के किसान भी आज बुरी हालत में हैं। उन्होंने कहा किसानों के जो सुसाइडल रेट है वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, देश के फार्मिंग सेक्टर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है पिछले 10 सालों में। सरकार एक तरफ आंकड़े छुपा रही है लेकिन सरकार सच्चाई को नहीं छुपा सकती। देश में सबसे बड़ा सेक्टर एग्रीकल्चर है जी, कृषि है, और कृषि के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत लोग डिपेंड करते हैं, है ना जी। और इतना इतना बड़ा सेक्टर के ऊपर आप 3 कानून लाने के लिए आप कोशिश किए थे, लाए थे, और लाने से पहले 10 मिनट भी उसके ऊपर बहस नहीं किया, बहस नहीं होने दिया। इस इंटरव्यू के आखिर में पराकला प्रभाकर जी ने देशवासियों से एक अपील की। उन्होंने कहा 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर गलती से प्रधानमंत्री मोदी जी की भाजपा जीत कर आती है तो देश में डिक्टेटरशिप बढ़ सकती है, इसीलिए देश के नागरिकों ने भाजपा को आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में हराने की कोशिश करनी चाहिए। मान लीजिए आपको 230 से मोदी आगे नहीं बढ़ रहे, मान लीजिए कि किसी तरह से कोई बड़ा खेल करके मोदी जी सरकार बना लेते हैं, 272 तक पहुंच जाते हैं, अगर तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनती है, बहुमत की सरकार बनती है, तो आपको क्या लगता है देश में फिर आगे क्या होने जा रहा है अगर मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं? दीपक जी, इफ एट ऑल जी, ऐसी संभावना है, इफ एट ऑल दैट हैपेंस, आप फिर और एक चुनाव की उम्मीद आप मत कीजिएगा। मतलब 2029 में चुनाव नहीं होगा फिर? 24 का वो चुनाव जो होगा, अभी अगर ये सरकार वापस आए तो उसके बाद चुनाव होगा ही नहीं, और देश का संविधान, देश का भी जो नक्शा है आपके सामने, ये पूरे से पूरे बदल जाएगा। आप इसको पहचान भी नहीं सकते। और एक बात,
अभी जो उसको काटो, उसको ये करो, उसको बाहर कर लो, उसको जाने दो, उधर पाकिस्तान जाने का है, ये इसको ये करना है, ये ऐसी ऐसी बातें आप सुने दे रहे ना आपको, इधर से उधर से, उत्तराखंड से और धर्म संसद से, इधर से उधर से, इसको ये नहीं खाना है, उसको वो नहीं खाना है, ऐसे सुन रहे हैं ना आप, ये ऐसी बातें आप ऐसी बातें लाल किले से सुनेंगे। आपने परकला प्रभाकर जी के विचार सुने, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्लियर कर दिया कि भाजपा देश के लिए कैसे नुकसानदायक है। अगर भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत कर आती है तो इसका देश को क्या नुकसान होगा। क्या आप परकला प्रभाकर जी के विचारों से सहमत हैं? क्या आपको भी लगता है भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश के डेमोक्रेसी के लिए खतरा है? अगर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से चुनकर आते हैं तो क्या देश के डेमोक्रेसी को खतरा होगा? आपके इस विषय पर राय क्या है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और आपने यह वीडियो यहां तक देखा आपका धन्यवाद। एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को लोगों तक पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, उन्हें शेयर कीजिए। और प्लैनेट बुलेटिन एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी या फिर कोई कॉरपोरेट हाउस फंड नहीं करता, हमें हमारे एक्सपेंसेस हमारे इंडिविजुअली बेयर करने पड़ते हैं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए पेट्रियन के लिंक पर जाकर हमें डोनेट कर सकते हैं, हमारी आर्थिक सहायता कर सकते हैं। आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।